Yes. हेलो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स माय डियर फैमिली। तो जिंदगी मसाला विद सरला के अंदर आपका फिर से स्वागत है। फिर से आ गए हैं हम लोग इस चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर सब्जी बन रही है और ये टाइम है अभी इवनिंग का, लेट इवनिंग। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। तो खाना तकरीबन बन चुका है, आटा भी गूंथ के रख चुके हैं हम लोग। और बाकी की एक्चुअली कल है करवा चौथ, तो उसकी काफ़ी सारी तैयारियां करनी थी और जो तैयारियां हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं। तो पूजा का जो भी सामान था वो सब मैं ले आई हूँ, और जो भी फल फ्रूट्स वगैरह चाहिए थे वो भी मैं ले आई हूँ यहाँ पर। और ये सब जो है, मतलब मट्ठी वगैरह, जो भी कुछ फैनी वगैरह और कुछ चाहिए थी वो सब सामान भी आ गया है, मिठाइयाँ भी आ गई हैं। तो और उसके साथ साथ मेरा ड्रेस भी आ गया है, मेरी चूड़ियाँ भी आ गई हैं। तो वो सब मैं करूँगी शेयर या फिर डायरेक्ट दिखाऊँगी वो मैं नहीं जानती। तो चलिए, लेकिन अभी जो मेन काम रह गया है वो है मेहंदी का। मेहंदी अभी नहीं लगी तो इसीलिए अभी खाना बन गया है, खाना बना करके और उसके बाद मैं जाऊंगी मेहंदी लगवाने के लिए। तो बस अब 10-15 मिनट के अंदर मैं मेहंदी के लिए निकल जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इतनी भीड़ होने वाली है ना, बाय गॉड, आज तो बस मेहंदी के लिए लाइन लगेगी लाइन। आपको दिखाऊंगी क्या हालत है आज मेहंदी की, और रेट उसकी तो सोचनी बेकार है। आज कुछ मत सोचिए, बस जेब खोलिए और खो जाइए खाली करा के आइए लुट के। तो कुकर कह रहा है कि देखो मैंने अपना काम कर दिया है, और अब वो कह रहा है कि जो बाकी तुम्हारा काम है उसे जल्दी जल्दी निपटा लो, नहीं तो फिर मत कहना कि भैया रह गया। तो चलिए मिलते हैं मेहंदी वालों के पास। इतना तो मेरे उसमें है भी नहीं बैटरी, पता नहीं क्या करते थे। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और हमारी मेहंदी जो है वो हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं घर और अब हम अपनी मेहंदी दिखाएंगे आपको कल सुबह कल सुबह अभी तो सारे सो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब रात बहुत हो चुकी है, वहाँ से मेहंदी लगा के जब हम घर आए तो आपको बता दिया था कि हम घर आ गए हैं। तो घर आ गए हैं और घर आ करके मेहंदी तो अभी जैसी की तैसी है, लेकिन हमने अभी अपना डिनर कंप्लीट किया है और मैं तो अभी नहीं खा सकती थी क्योंकि मेरे हाथों में लगी हुई है मेहंदी। तो अभी हस्बैंड ने मुझे खाना खिलाया है, तो अब जो है खाना वाना खाकर अब टाइम हो रहा है थोड़ा सा सो जाने का। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को, मेरी सभी सहेलियों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आपका सुहाग जो है वो अजन अमर बना रहे। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। देखिए मेहंदी मैंने आपको कल दिखाई नहीं थी, आज दिखा देती हूँ। तो मेहंदी जो है वो भी चढ़ चुकी है अब तक। ये देखिए ये मेहंदी है जो ऐसा ही कुछ रंग आया है, और जो पूजा मुझे करनी थी ये देखिए पूजा जो है वो हो चुकी है। सूरज को अर्घ्य मैं दे चुकी हूँ, और आज मैंने कोई ख़ास वो नहीं किया, सूट ही पहना है सिंपल। साड़ी शायद शाम को पहनूंगी अगर हस्बैंड ठीक टाइम तक आ गए, और अगर वो घर लेट हुए आने में और मैंने मुझे ऐसे ही खोलना पड़ा तो फिर मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, फिर मैं सूट ही दूसरा पहन लूँगी। तो ये है जी, घर में कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है घर में, मैं हूँ, मेरी तन्हाई है और मेरा पास्ट है। तो क्योंकि ये मेरा मायका है, ससुराल तो है नहीं, तो कोई देवरानी जेठानी कोई भी नहीं है, हस्बैंड भी काम पर गए हुए हैं। तो ये है दिल्ली की एक अकेली औरत का सिंपल सा करवा चौथ। ना भी इतना मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए गोगो जो है वो बेचारा भूखा है और जैसा घूम रहा है,
क्योंकि कैट है, डॉग है, इनके खाने में कुछ ना कुछ तो नॉनवेज का एलिमेंट होता ही है, और मैं आज के दिन हाथ नहीं लगा सकती हूँ नॉनवेज। तो ये देखिए, सामने दिख रहा होगा आपको फ्रूटी, खिड़की के ऊपर जो है वो फ्रूटी खड़ी हुई है। लाइट ज़्यादा तेज है, कोशिश करती हूँ कि दिख जाए। ये देखिए फ्रूटी खड़ी हुई है यहाँ पर। तो बच्चे जो है वो खाना मांग रहे हैं, लेकिन मैं खाना नहीं दे पा रही हूँ। हस्बैंड से मैंने कहा था आप आज घर पर रुक जाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इन लोगों को खाना कौन देगा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं बिल्कुल, तो वो भी बहुत चिल्ला रहे हैं काऊ माऊ। लेकिन हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं सुबह सुबह तो दे दिया था उन्होंने, और उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊंगा शाम को जल्दी ही, लेकिन एज यूजल वो नहीं आ पा रहे हैं। तो नहीं आ पा रहे हैं तो बच्चे भूखे हैं। अब मैं तो खैर, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि बच्चे भूखे हैं, और इस वक्त कोई नहीं है जिससे मैं बोल सकूँ कि आ करके प्लीज़ मेरे बच्चों को थोड़ा सा खाना निकाल कर दे दो। तो ये है जी आज की कहानी। अब देखते हैं, किट्टू के भी रोने की आवाज़ आ रही होगी आपको, बहुत भूख लग रही है बच्चों को। मैं फ़ोन कर चुकी हूँ उनको, बोले मैं आने वाला हूँ, मैं निकलूँगा घर से। अब मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहती, काम का मामला है, रास्ते का मामला है, इसलिए मैंने कहा ठीक है जैसा भी होगा आ जाना, पर बच्चे भूखे हैं, बहुत दुख हो रहा है मुझे। तो यही है, अब देखती हूँ, अभी सूरज को तो आज दे दिया है, अब देखती हूँ शाम की क्या तैयारी करनी है, कुछ छोटा मोटा कर ही लूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा। मेरा तो आज अच्छा है वैसे सब कुछ, बट थोड़ा सा अकेला अकेलापन और थोड़ी सी उदासी लग रही है मुझे, तो वैसे सब कुछ ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पानी वानी पी लेती हूँ, थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ आपके साथ बातें। तो जी सब बज चुके हैं फ्रेंड्स, रात के 8 बज रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जो हैं सड़े लोग खड़े बड़े बड़े, मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर वापस आ चुके हैं इतनी देर में। और आपको बता दूं कि करवा चौथ पे मैंने ऐसा पहली बार देखा है, लेकिन जो देखा है वो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी, शायद आप लोगों में से भी कई लोगों ने यह देखा होगा। तो जी आज हमारे यहाँ बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है कि हो रही है ताबड़तोड़ बारिश, और साथ में चल रही है आंधी वाली हवाएं। आहा, बिजली भी चमकी, देखा आपने। तो जी कुछ यह है नज़ारा, मैं सोच रही हूँ चांद भाई साहब निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे, तो आज तो गुमशुदा तलाश केंद्र में भेजनी पड़ेगी कंप्लेंट चांद जी। तो देखो आधा करवा चौथ तो ठीक ठाक हो चुका है, और अब देखो रिमेनिंग पार्ट का क्या होना है, थोड़ी देर में ही पता चलेगा। वैसे एक बात हो रही है, आज वाला गाना सही सही से चल रहा है, चांद छुपा बादल में। हाँ तो चांद बादल में छुप गया। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंटली बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए करवा चौथ पे क्या गिफ्ट लेके आए हैं। तो जी करवा चौथ पर गिफ्ट आया है प्याज। कितना प्याज है, 5 किलो? 3 किलो। 3 किलो प्याज गिफ्ट आया है। बड़ा महंगा चल रहा है, तो यही बहुत है अभी। तो जी ये है करवा चौथ, और ये बैठे हैं मेरे बच्चे जो बेचारे सोच रहे हैं कि कब जाके अब खाना वाना मिलेगा, कब मिलेगा खाना। बाबू खाना खाना है गुगु। हाँ कैमरा देखते हैं मुंह बंद कर लेते हैं, वैसे तो टपट टपट बोलना होता है। आज यहाँ भी शांति है, बारिश हो रही है ना काफी तेज, और सारा दिन आज भूखे रहना पड़ा। मैं आखिरकार मैंने सीमा को बुलाया, मैंने हाथ जोड़ बन प्लीज बहन आ जा, तू ही दे दे खाना। इन्होंने तो मुझे आज झूठ बोल दिया, मुझे सुबह ही लग रहा था कि ये मुझे धोखा देंगे ही देंगे, क्योंकि मैं इनकी फितरत को कई सालों से जानती हूँ। ये अभी फिलहाल बन रही है चाय, पियेंगे चाय और उसके बाद देखते हैं चांद जी का क्या होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ चांद का क्या करूँ, अब हस्बैंड तो मिल गया घर पे, चांद का क्या करूँ, चांद का कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों व्रत खुल चुका है, और बारिश के कारण हम बाहर नहीं जा पाए, हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम था, मगर बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। और अब देखो बाहर से ऑर्डर खाना करा है, अरे खाना आया है, मैडम देखो खाना निकाल देंगे। क्या मंगाया है भाई बता दो। अरे अब बस बताने वाले का टाइम नहीं है। तो दोस्तों अभी बड़ी जोर से लग रही है भूख, तो अभी हम लोग कर रहे हैं पेट पूजा, और बस जो कुछ हो पाएगा हो पाएगा व्लॉग में, अभी तो इतना ही, बाकी मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। चलो चलो अब खाना खा लेते हैं यार, थैंक यू सो मच।
तो जी रात के बजने वाले हैं 12:15 और हमारा खाने पीने का कार्यक्रम हो चुका है संपन्न। इसी के साथ आज की ये सभा यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आपसे नई सभा में। तब तक के लिए शबा खैर, खुश रहिए, खैरियत से रहिए और हमसे मिलते रहिए। तो जी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद द बेल आइकन भूलिएगा मत, वो सब जारी रखिए। चलिए मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय 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 बाय।